हमारे ठीक सामने है मणिकंडिका द्वार। तो इस द्वार से होते हुए गलियों के माध्यम से चलते हैं मणिकंडिका घाट और वहां पर देखते हैं कि क्या कुछ नज़ारे हैं। तो ये है मणिकंडिका द्वार। यहाँ से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये जो गली है वो घाट तक जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप दीवार पे जीवन चक्र दर्शाया गया है। यही वो गलियाँ हैं जहाँ से प्रतिदिन तकरीबन 350 से लेकर के 500 तक शव गुजरते हैं और यह गलियाँ उनकी साक्षात गवाह हैं। चूँकि आज रविवार होने की वजह से ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे दाहिने साइड देख सकते हैं आप श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की यह दीवार है। आज तो कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रही हैं ये गलियाँ, तो चलिए देखेंगे आगे कि क्या कुछ हो रहा है। अभी फ़िलहाल में क्या अपडेट है, हर बार से ज़्यादा इस बार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सुनसान। ये देखिए जो लोग आए हुए हैं अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क किए हुए हैं। ये देखिए कॉरिडोर के अंदर का दृश्य। यहाँ पर देखिए गंगा जी में बाढ़ आने की वजह से पूरा डूब चुका है मणिकंडिका घाट का जो निचला स्तर है, इसलिए शव को ऊपर ले जाया जा रहा है। आगे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली इस वक्त अगर आप आएंगे यहाँ पर तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। वैसे यह जो स्थान है वो बाढ़ की वजह से हाई अलर्ट पर है, तो यहाँ पर जब भी आएँ सावधानी से आएँ। सामने रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। चूँकि अभी पानी का जो ये स्तर है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, ये जो दीवारें दिख रही हैं आपको यह अभी डूब चुकी थी पिछले कुछ दिन पहले। फिलहाल की यह स्थिति आपके सामने है। ये देखिए ऊपर से धुआं किस प्रकार से आ रहा है, अभी हम ऊपर भी आपको लेकर के चलेंगे। यह देखिए किस प्रकार से जल की धाराएं चल रही हैं, अद्भुत। यहाँ पर शव को नीचे लाया जा रहा है। पहले गंगा जी में स्नान कराया जाता है और उसके बाद ऊपर लेके जाया जाता है। चलिए अब हम आपको ऊपर लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से सारी चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पर देखिए लकड़ियों का वज़न किया जा रहा है। बारिश के दिनों में यह लकड़ियाँ डूब चुकी थीं, तो नाव के माध्यम से लकड़ियों को ऊपर पहुँचाया जा रहा था। ये देखिए ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं बिल्कुल टूट चुकी हैं, चूँकि ये बाढ़ के पानी में डूब गई थी। शव को भी नाव के द्वारा ऊपर यहाँ पर लाया जा रहा था और लकड़ियों को भी ऊपर लाया जा रहा था। ये देखिए सभी के परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। बारिश और आंधी आने की संभावना है। अंदर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कुछ फॉरेनर भी यहां पर आते हैं इस दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए यह बिल्कुल नया होता है। उनके यहां कुछ अलग ही सिस्टम इस प्रकार से होता है वहां पर। ये देखिए
लकड़ियों को सीढ़ी के माध्यम से ये लोग कंधे पर लाद करके ऊपर लाते हैं। अभी ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार हर हर महादेव।